हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस पौधे के बारे में बताऊंगी। इसका नाम है क्रीपर और इसे गार्लिक वाइन भी कहते हैं और बहुत ही सुंदर पौधा है ये। आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दिया, इसके लिए इसके फूल मुरझाने वाले हैं और इसके फूल जो खिलते हैं ऐसे बंच में आते हैं और जब इसके फूल खिलते हैं तब इसमें ये डार्क कलर के फ्लावर्स रहते हैं ऐसे, और जैसे वो धीरे धीरे 2-3 दिन पुराने होते हैं तो ऐसे हल्के से कलर में हो जाते हैं, इसका कलर लाइट हो जाता है। और जब ये मुरझा के गिरने लगते हैं तो इस तरीके से ये वाइट होके मुरझा के गिरने लगता है, तो इस तरीके से इसकी फ्लावरिंग होती है और फ्लावर्स के कलर चेंज होते हैं। और मैं इसकी फ्लावरिंग के बारे में बताऊँ तो इसके फ्लावर्स खिलते हैं समर से लेकर मानसून तक, और आज अक्टूबर की 30 तारीख है और अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और आप देख सकते हैं इसमें यहाँ भी कुछ कलियाँ आई हैं और यहाँ भी कुछ कलियाँ आई हैं और यहाँ भी कुछ कलियाँ आई हैं, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रहा है, हो रहा है। और यहाँ भी कुछ कलियाँ आई हैं, तो ये जब तक फ्लावरिंग होगी तो करीब 10 दिन का वक्त तो लगेगा। और अक्टूबर की 30 तारीख है ये, तो नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होगी। तो जब से समर से स्टार्ट होती है इसकी फ्लावरिंग और मानसून से लेकर नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग रहती है, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही फूल वाला बेस्ट आउटडोर प्लांट है ये, और ज़रूर लगाएं इस पौधे को आप। मैंने 3 महीने पहले इस पौधे को लाया था नर्सरी से, तब मैंने इसकी रिपॉटिंग की थी और रिपॉटिंग करने के टाइम पे मैंने जो मिट्टी बनाई थी वो 40% मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% कोकोपीट था, और उसमें मैंने थोड़ी सी नीमखली मिला ली थी। अगर आपके पास नीमखली ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी मिला लें। और इस तरीके से मैं सारे पौधों के पॉट में मिट्टी वैसे ही बनाती हूँ, और तब से मैंने अभी तक इसकी मिट्टी में ना कोई फर्टिलाइज़र डाला है ना कोई खाद डाली है, क्योंकि उसके बाद मानसून स्टार्ट हो गया था और मानसून में जो बारिश होती है, बारिश की वजह से तो खुद ब खुद उसमें जो बारिश का पानी गिरता है पौधों के लिए वो बहुत बेहतर फर्टिलाइज़र है, तो इनको दूसरी फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती है पौधों को। तो मैंने अब तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र या खाद नहीं डाला है, जो मैंने मिट्टी बनाई थी उसी मिट्टी में ये ग्रो कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसकी जो बेल है बहुत दूर तक गई है, आप देख सकते हैं यहाँ तक इसकी बेल गई है। अभी शाम का वक्त है, करीब 5:30 बज रहे हैं, इसीलिए थोड़ा अंधेरा सा हो गया है, और बहुत खूबसूरत पौधा है। और जहाँ तक इसकी मैं कीड़ों के अटैक वगैरह का कहूँ तो इसमें कीड़ों का अटैक बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसे गार्लिक वाइन कहते हैं। ये एक तरह का इस पौधा है जिससे लहसुन की खुशबू आती है, इसे गार्लिक वाइन कहते हैं, यानी कि इसके जो पत्ते हैं इसको तोड़ के आप ऐसे हाथ में मस लेंगे और उसको स्मेल, उसकी जो आती है पत्तों की वो एक लहसुन की तरह होती है, लहसुन की खुशबू आती है उसमें से, तो इसीलिए इस पौधे में कीड़ों का अटैक नहीं होता है। मैंने जब से ये पौधे को लगाया है करीब तब से मैं देख रही हूँ कोई भी कीड़ों का अटैक इसमें नहीं हुआ है, जबकि इसके बगल में जो पॉट मैंने रखा है ये गुड़हेल का, इसमें 1-2 बार मिलीबग का अटैक हुआ था, लेकिन इस पौधे में बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छा आउटडोर प्लांट है, वो भी बेल वाला, और बहुत ही खूबसूरत है इसके फूल भी और इसके पत्ते भी। जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत हैं और इसमें ज़्यादा कोई केयर भी नहीं करना पड़ता है, और बहुत अच्छा आउटडोर प्लांट है, आप अपने घर पे ज़रूर लगाएं। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।